ऑसम पीपल, और आप लोगों का स्वागत है हमारी वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन की सीरीज में। और आज की वीडियो में हम कुछ नई चीज सीखने वाले हैं यार, ठीक है। आज हम अपनी वेबसाइट का मेकअप करने वाले हैं। तो अगर आप नए यूजर हो यार, तो ये एक पूरी सीरीज है, ये सिंगल वीडियो नहीं है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले पूरी सीरीज देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। तो हमने लास्ट वीडियो में हम HTML पे काम कर रहे थे, तो आपको एक चीज बता दूं, HTML हमारा हो गया है, ठीक है। आज हम CSS पे काम करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे HTML इतनी जल्दी खत्म हो गया? मैं कहूंगा खत्म नहीं हुआ, पर ऑलमोस्ट हो गया जितना हमें वेब डेवलपमेंट के लिए चाहिए था। जो छोटी छोटी चीजें बच गई हैं, उनको हम जब प्रोजेक्ट पे अपना काम कर रहे होंगे, जो मैंने आपको बताया था कि हम, मैं पहले आपको शुरुआत में HTML के बेसिक्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको CSS3 के बेसिक्स बताऊंगा, और उसके बाद हम अपने मेन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। तो मेन प्रोजेक्ट पे जो काम करेंगे वो सबसे बड़ा पार्ट होगा, तो उस दौरान आप काफी चीजें सीखने वाले हो। तो काफी बच्चे लास्ट वीडियो में बोल रहे थे, भैया ये हमने सब अच्छा, ये हमारा जो वेब पेज है यार, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। चीजें वही हैं, मैंने बस पैराग्राफ नए डाल दिए बीच में, ठीक है, कि थोड़ा हमारा दिखने में अच्छा भरा भरा लगे। तो ये पहला पैराग्राफ तो किसी बच्चे का मेल है, ठीक है, XYZ कुमार सिंह, मैंने नाम हटा दिया उसका। और ये जो दूसरा है, ये मेरा कोरा का आंसर है। पॉइंट ये था कि आप मुझे मेल पे क्वेश्चन पूछ सकते हो और कोरा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो CSS3 क्या होता है यार, ठीक है। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। और अगर हम लेमैन में बात करें, ठीक है, लेमैन तरीके में बात करें, HTML हमारा होता है यार कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। वो हमारा होता है रॉ फुटेज, ठीक है। रॉ फुटेज मतलब कि रॉ मटेरियल है वो हमारा, ठीक है। ये जो अभी आप राइट साइड में इस चीज देख रहे हो, ये हमारा टोटली HTML से बना है, ठीक है। कितना डल सा लग रहा है, मतलब बस ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लग रहा है। पर जब हम इसका मेकअप करेंगे, जब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, जब हम इसको फिनिशिंग देंगे, तो उसके लिए हमारी CSS3 यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा है कि HTML इज द रॉ मटेरियल, CSS इज द फिनिशिंग स्टाइल, ठीक है। तो अब ज्यादा आपको थ्योरी से मैं बोर बोर नहीं करूंगा, ठीक है, सीधा जंप करते हैं। तो जिस तरह यार हम HTML के पे काम कर रहे थे, तो हमने अपना ये वेब पेज बनाया था, ठीक है, माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है माई फर्स्ट वेब पेज। अब जब हम CSS पे काम करेंगे, सिमिलरली हमें एक और एक्स्ट्रा पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक और प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम अपना कोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो ही करते हैं, तो हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे, ठीक है, हम पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, हम ऊपर जाएंगे, ऊपर ऊपर फाइल और न्यू। तो जब आपने न्यू दबाया तो एक न्यू खुल गया। अब सबसे पहले तो आपको इसका नामकरण करना है। नाम कैसे करेंगे, कमांड एस दबाओ, विंडोज पे हो तो कंट्रोल एस दबाओ, मतलब सेव करेंगे हम इस फाइल को। इसको हम नाम दे देते हैं मेक ओवर, ठीक है, मेक ओवर डॉट CSS। डॉट CSS लगाना जरूरी है यार, उससे पता चलता है कंपाइलर को कि अब हम CSS के बारे में करने वाले हैं, ठीक है यार। तो मेक ओवर डॉट CSS, और ये हमारा न्यू फाइल जो हमने फोल्डर बनाया था उसी में सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये सेव करते ये देखो यार, यहाँ पे मेक ओवर डॉट CSS आ गया है। अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो यार हमें इन दोनों पेजेस को लिंक करना होगा, जो हमारा HTML वाला पेज है जहाँ पे हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं, और ये जो हमारा CSS वाला पेज है जहाँ पे हम CSS की कोडिंग करेंगे। इन दोनों पेजेस को सबसे पहले लिंक करना जरूरी है। लिंक मतलब समझ गया लिंक क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या जाएंगे, हम अपने फर्स्ट वेब पेज पे जाएंगे, और जो हमारा हेड होता है, ठीक है, हेड के अंदर हमें लिखना है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा है तो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, होपफुली अब आपको दिख रहा होगा। तो जब हम हेड के अंदर जाएंगे, तो अब आपको लिंक करना है। लिंक के लिए हम क्या करते हैं, हम टैग नेम यूज़ करते हैं लिंक, ठीक है। उसके बाद हम एलिमेंट यूज़ करेंगे रेल, ठीक है, रिलेशन इक्वल टू, ठीक है, ये स्टाइल शीट, ये सेम रहेगा हमेशा, ठीक है, चाहे आपके CSS पेज का नाम कुछ भी हो, ये हमेशा सेम रहेगा ये एक तरह से। फिर हम लिखते हैं टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं href, href हम अपना एलिमेंट यूज करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था, इक्वल टू जो भी हमारा नाम है, ठीक है। तो जैसे हमारा मेकओवर डॉट CSS है पेज का नाम, तो हम इस पेज के साथ लिंक कर देंगे, ठीक है यार। अब ये जो लिंक हमारा होता है, इसका यार कोई क्लोजिंग टैग नेम नहीं होता, ठीक है। जैसे इमेज का हमारा क्लोजिंग टैग नेम नहीं होता था, सिर्फ हम img यूज करते थे, वैसे ही हमारा लिंक का भी क्लोजिंग टैग नेम नहीं होता। तो अब हमने क्या कर दिया है, इसके थ्रू अब हमारा जो HTML का पेज है और जो CSS का पेज है वो लिंक हो गए हैं, ठीक है। वो करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जो भी यहाँ पे लिखोगे वो आपका वेब पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो चलो यार, अब मेक ओवर में हम कुछ चीज़ें मेक ओवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको यार टैग नेम लिखना है, मान लो आपको जो भी एडिट करना है, मान लो मुझे हेडिंग 1 एडिट करनी है, तो सबसे पहले हम, मैंने H1 लिख दिया, उसके बाद मैं ये ब्रैकेट्स डालूंगा और इनके अंदर लिखेंगे हम, जैसे कि मान लो मुझे कलर चेंज करना है,
कलर मुझे क्या करना है, हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं तो कुछ अच्छा सा चूज़ करते हैं, या फिर मान लो नेवी ट्राई करते हैं। ठीक है नेवी है, ओके नेवी ट्राई कर लिया हमने। ठीक है तो अब राइट साइड में देख सकते हो यार आपकी हमारा जो हेडिंग है मेन हेडिंग वो नेवी ब्लू में हो गई है। ठीक है अब और भी चीज़ें और क्या है, हम अपनी फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है तो मैं फॉन्ट साइज और मान लो कि मुझे 40 पिक्सल्स, ठीक है तो देख लो फॉन्ट चेंज, फॉन्ट साइज भी साइड में चेंज हो गई। मैं जैसे जैसे चेंज करूँगा फॉन्ट साइज बड़ी हो जाएगी, 60 में और बड़ी हो गई, 60 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 70 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। ठीक है 0 पे हट जाता है और तो चलो कुछ 40 रखते हैं। ठीक है 40 ठीक है। उसके बाद हम अपनी फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। मान लो मुझे अलग टेक्स्ट चाहिए, ठीक है जैसे कि एरियल हो गया, ठीक है सबसे कॉमन है, ठीक है तो हमने एरियल यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हमने अपनी हेडिंग का मेक ओवर कर दिया। ठीक है अब सिमिलरली मैं हम H2 के लिए करते हैं। ठीक है और उसके बाद मैं आपको थोड़ा इनहेरिटेंस भी बताऊंगा इनमें। तो H2 में हम क्या करेंगे कि सेम चीज़, मान लो मैंने कलर कर दिया, क्या रखें कुछ ब्राउनिश रखते हैं, ओके ब्राउन, ठीक है ब्राउन हो गई हमारी हेडिंग। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए 40 से, तो 25 पिक्सल्स कर दिया, ओके ओके। और फॉन्ट फैमिली थोड़ी अच्छी रखते हैं, ठीक है ये थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है तो हम रखते हैं कर्सिव। ठीक है तो अब देखो थोड़ी हेडिंग हमारी अच्छी हो गई, हमने कर्सिव भी कर दिया, हमने कलर भी चेंज कर दिया। ठीक है यार तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो, वो एक चीज़ क्या है कि मान लो अगर हमारी H1 H2 में कोई चीज़ कॉमन है, कॉमन मतलब कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, मान लो H1 H2 और आप चाहते हो कि भाई दोनों का जो क्या कहते हैं जो फॉन्ट फैमिली है वो कर्सिव रहे, ठीक है तो आप सीधा लिख सकते हो कर्सिव। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, कोई फ़र्क नहीं आया राइट साइड में, कोई फ़र्क इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने H1 के अंदर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि मेरी फॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल होएगी। ठीक है तो इसलिए मैंने ऊपर जब H1 H2 दोनों में कर्सिव लिखा तो भी चेंजेस नहीं आए। पर अगर मैं इसको हटा दूं तो हटाते ही देखो अब जो हमारा ये कर्सिव में हो गई मेन हेडिंग। ठीक है तो ये मैं ऐसे आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है तो अगर मान लो जैसे आपको दोनों का कलर सेम रखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से कलर नेवी हटाओगे, ठीक है इधर से भी कलर हटाओगे और जो आपको कॉमन कलर लिखना है वो आप फिर यहाँ लिख दोगे। ठीक है समझ रहे हो, तो यहाँ पे आप मेन अपना जो भी कॉमन कलर रखना चाहते हो वो आप लिख दोगे। अब हमें नहीं रखना है, ठीक है मेरे को अलग अलग कलर पसंद है, पर मैंने आपको पॉइंट समझा दिया। अब आपको एक और ट्रिक सिखाऊंगा यार, और वो ट्रिक क्या है कि आपको अपने इस पेज पे जो CSS वाला पेज है उस पे जाना जरूरी नहीं है। ठीक है अगर आपको CSS में कुछ एडिट करना है आप सीधा अपने HTML पेज पे भी वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है अब मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ, बट जनरली लोग एक अलग पेज बनाना चाहते हैं जहाँ पे वो ये सारी एडिट्स को डाल सके क्योंकि ये थोड़ा क्लीन लगता है। ठीक है ज़्यादातर मैक्सिमम एडिटर्स यही करते हैं, ठीक है जो भी डेवलपर्स होते हैं। पर मैं आपको तरीका दिखा देता हूँ कि मान लो अगर आपको सीधा यहीं पे एडिट करना है अपना HTML जो आपने लिख रखा है वहीं पे आपको एडिट करना है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो हम पैराग्राफ को एडिट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ठीक है इसको सेलेक्ट करो पैराग्राफ को और कमांड ई दबा दो। ठीक है अगर मैक पे हो तो कमांड ई दबा दो और अगर विंडोज़ पे हो तो कंट्रोल ई दबा दो। ठीक है यार तो जैसे ही आप दबाओगे तो ये एक डब्बा सा बन के आ जाएगा। ठीक है और यहाँ पे न्यू रूल लिखा होगा, इस पर क्लिक करो, जैसे ही आप न्यू रूल लिखोगे तो ये देखो आपके लिए एक वर्क स्पेस आ गई और यहाँ पे आप अपना CSS में लिख सकते हो जो भी आपको चेंजेस करने हैं। अब जैसे हमें क्या चेंजेस करने हैं भाई, हम लिखते हैं हम पहले तो फॉन्ट साइज चेंज करेंगे। ठीक है तो पूरे पैराग्राफ की फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगी, जैसे कि क्या रखें 25 रखें, एक बार 25 px। तो देखो यार सारा टेक्स्ट इतना बड़ा बड़ा हो गया, पर हमें इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं चाहिए, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, 15 रख देते हैं। ठीक है 15 पिक्सल्स रखा तो देखो चेंज होगा। ठीक है तो हमने HTML के पेज के अंदर ही बैठे बैठे हमने चीज़ एडिट करनी सीख ली। पर जनरली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो CSS पेज है वहीं पे करो। ठीक है तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होती, सब कुछ नीट एंड क्लीन दिखता है। अब मान लो कि मुझे टेक्स्ट अलाइन करना है, ठीक है तो टेक्स्ट अलाइन क्या होता है कि आपको मतलब टेक्स्ट को लेफ्ट में करना है या राइट में करना है या सेंटर में करना है। ठीक है तो हम जस्टिफाई करेंगे,
ठीक है, तो जस्टिफाई में क्या हुआ, अब राइट साइड से भी हमारे सब सेम लाइन में, लेफ्ट साइड से भी सब सेम लाइन में, ठीक है यार। तो हमने टेक्स्ट अलाइन कर दिया। नेक्स्ट चीज़, मान लो मेरे को फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, ठीक है, मेरे को फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, और वो हम कुछ भी दे देते हैं, इनमें तो कोई भी फॉन्ट अच्छा नहीं है, एरियल ही दे देते हैं यार, ठीक है। तो ठीक है यार, तो ये चीज़ आप सीख गए। अब देखो एक और मैजिक दिखाता हूँ तुमने। आपने एडिट यहाँ पे किया, आपने वर्क स्पेस अपनी HTML पेज में बनाया, बट जब आप अपने CSS पेज में आप जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी, अरे ये तो अपने आप आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ अपने आप ऐड हो गई। अब एक चीज़ और सिखाना चाहूँगा यार आपको मैं, कि मान लो आपको कोई ऐसी चीज़ रखनी है जो आप पूरे कोड में सेम रखना चाहते हो। अब जैसे हमें H1, ठीक है, और H2 में कुछ चीज़ें कॉमन रखनी थी, तो हमने H1 H2 को साथ में ले लिया था और हमारी फॉन्ट फैमिली कर्सिव हमने कर दिया था। मान लो आप कुछ चाहते हो जो कि पूरे कोड, जो हमारा पूरा डिस्प्ले उसमें सेम रहे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बॉडी यूज़ करते हैं यार, ठीक है। तो बॉडी हमारी आपको पता है ना, हमारी जो HTML कोड में मेन जो होता है, ठीक है, बोलो मत यार ऐसे, ये बॉडी, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं यार, ठीक है, अब मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ या कुछ भी चेंज करता हूँ, वो सबके ऊपर अप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बॉडी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और अब मैंने इसके अंदर लिखता हूँ कि फॉन्ट फैमिली कर्सिव, ठीक है, कर्सिव लिख दिया। तो एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो हमारी जितनी भी लिंक्स वगैरह थी, जैसे लिंक टू गूगल है, ठीक है, ये जो सीधा जेंटलमैन, ये अपने आप कर्सिव में हो गई हैं। पर आप अब कहोगे यार कि मैंने तो आपको कहा था कि सब कुछ कर्सिव में हो जाना चाहिए, तो सब कुछ कर्सिव में क्यों नहीं हुआ? सब कुछ कर्सिव में इसलिए नहीं हुआ यार, क्योंकि मैंने सबके लिए, मान लो H1 के लिए मैंने अलग से लिख रखा है, ठीक है, तो मैं अगर अलग से किसी टैग नेम के अंदर कोई चीज़ लिखता हूँ तो उसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। माने कि अगर मैं जैसे पैराग्राफ का ये फॉन्ट फैमिली हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इस एरियल को हटा दूँ, तो ये देखो सबका सब कर्सिव हो गया, सबका सब कर्सिव हो गया, क्योंकि अब वो बॉडी वाला लग रहा है इस पर। पर अगर मैं यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई करूँ पी के अंदर जाके, ठीक है, कि फॉन्ट फैमिली करके, तो उस केस में फिर मान लो मैंने फैंटेसी कर लिया, तो मेरा पूरा अलग हो जाएगा और बॉडी का वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पॉइंट आप समझ गए, लॉजिक आप समझ गए हो, ठीक है। तो आज के लिए यार इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही सीखने वाले हैं। अगर आप नए हो यार, तो देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। अगर वीडियो ने आपको हेल्प किया है, तो उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें लाने वाला हूं, तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, सायोनारा।